हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली, और इडली की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैंने लिया है 4 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल। इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके 8 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। गर्मी का मौसम है, फर्मेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर लेकिन अचानक बच्चों का मन हुआ कि इडली नहीं खाएंगे, डोसा खाएंगे। तब मैंने उसी के बैटर से मैंने डोसा बनाया, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। तो मैंने जो बैटर था मेरा, उसमें मैंने डाल दिया 4 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून चीनी और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। और फिर तवे पे, तवा मेरा गर्म हो गया था, इस पे मैंने कलछी की मदद से चारों तरफ हल्के हाथों से फैला दिया। फिर इसमें डालेंगे हम आलू फ्राई किए थे, और जो डोसे के साथ चटनी खाई जाती है ऑरेंज चटनी, वो मैंने डाल दिया। और इस पे थोड़ा सा सलाद कट करके डालेंगे। हमारा डोसा रेडी, बहुत ही टेस्टी डोसा बनकर रेडी होता है। बेसन डाल देने से डोसे का टेस्ट आता है और चीनी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।